करेगी। रिहा करो, रिहा करो, टुकड़ के शेरों को रिहा करो, टुकड़ के शेरों को रिहा करो, रिहा करो, सम्मान करो, सम्मान करो, गौरव का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, गौरव का सम्मान करो, देंगे तोड़ते ही था चक देंगे, इक्का दुक्की तक देंगे, इक्का दुक्की तक देंगे, तोड़ते ही था चक देंगे, तोड़ते ही था चक देंगे, रोड नी बनता उन चिर तक टोल की जो सस्पेंड किया जा रोड के सही नहीं है तो आखा दे जिन्ने चिर तक नहीं होंगे इन चिर तक ये बंद होना चाहिए और जिहड़ी भी मन मर्जी है अगर जनता चाहती है कि जनता के खिलाफ कोई फैसला जाता तो अगर आवाम भी अच्छा नहीं लगा रहा तो गवर्नमेंट की वो गल सुननी चाहिए कि भाई ये जो गलत काम होवा दा इस करिए अस गवर्नर साहब अगे इे रिक्वेस्ट करने अर्ज करने कि इस चीज़ की जल्दी को जल्दी इसी बंद किया जा कि जेडे साढ़े राजपूत जोबा साहब थे जेडे उन्हें अंतर किए थे उन्हें छड़ा वास्ते असर छोटा जहा अ जंतरा एक ट्रेलर दसिया अगर ये गवर्नमेंट सरकार एल जी साड़ी गल ही अगर नहीं सुन जा कोई असर नहीं हो उन्हें नहीं छुड़िया आज अपना जंदरा रोड का नैशनल हाईवे जो बंद कर देंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहना, निवेदन करना चाहना कि उन्हें नौजवानों की देश भक्त जवानों की जोड़े डोगरा समाज के लिए लड़ा दे उन्हें तुरंत रिहा साढ़े ग्रांड नियरेस्ट जो भी हैं सारे किटे हुई है अज एक एहतियात करा दे प्रोटेस्ट करा दे कोई टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए 40 किलो लेकिन लुटी आ दे जिसल अस गल करने टोल प्लाजा उन्हें आख्या जी नैशनल हाईवे अथॉरिटी ने ला दा आज जहां जिंदरा अमर क्षत्रिय राजपूत शाखा सभा के प्रेसिडेंट प्रकाश सिंह जम्वाल जी उनकी पूरी टीम ने जहां पे प्रदर्शन किया ये प्रदर्शन बन टूल प्लाजा जो सरोवर का है बन टूल प्लाजा और सरोवर टूल प्लाजा जो है जो लड़के बंद किए गए हैं जो जेल में रखे गए हैं उनकी सपोर्ट में जे आज जहां पे जिंदरा में ब्लॉक डंसाल के अंदर जो है जहां पे प्रदर्शन किया गया मैं बहैसियत सरपंच जिंदरा अनिल शर्मा हम लोगों ने भी इसमें शिरकत की और हम एडमिनिस्ट्रेशन से सरकार से और खसूसन तौर पे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी साहब से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब से हम अपील करना चाहते हैं गुजारिश करना चाहते हैं जम्मू के अंदर आज की तारीख में आग लगी हुई है जम्मू के अंदर आज डोगरा जो है वो अपने आप को एक जलालत महसूस कर रहा है आज डोगरों को दबाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की के द्वारा ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहिसिल प्रेसिडेंट होने के नाते हम आज जो कल का जम्मू बंद है उस बंद में हम लोग भी पूरी पूरी सपोर्ट करते हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो जम्मू बंद के लिए सपोर्ट किया है हम उनको सपोर्ट करते हैं और इसके साथ साथ ऑल जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहिसियत प्रेसिडेंट होने के नाते और वाहिसियत सरपंच जिंदरा होने के नाते हम तमाम पंचों सरपंचों से तमाम VDC DDC से जितने भी लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हैं उनसे अपील करते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस मुहिम की सपोर्ट करें तमाम लोग सपोर्ट करें क्योंकि जे डोगरों के मान सम्मान की बात है तमाम डोगरों को आगे आना चाहिए चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो किसी भी बलादरी का किसी भी तबके का कोई भी शख्स जो है वो घर नहीं बैठना चाहिए तमाम लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए और अपनी मांगों को मनाना चाहिए आज जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों की तादाद में स्मार्ट मीटरिंग लग रही है एक एक घर को 5-5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है क्या आप समझते हैं कि हमारे गांव में रहने वाले लोग 5-5 हज़ार रुपया बिल देने के काबिल हैं नहीं है और
एक डिमांड हमारी और है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाली गई है कि जो टैरिफ, जो किराया, जो रेंट हमें एक यूनिट जो है 3 रुपये कुछ पैसे की मिलती थी, अब एडमिनिस्ट्रेशन इस तैयारी में है कि उस यूनिट को बढ़ाकर 7 रुपये कुछ पैसे करने वाली है। आप मान के चलिए आज जिन लोगों का बिल 5000 आ रहा है वो 10000 आने वाला है। इन मुद्दों पर और प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर हम तमाम लोग जो हैं इस मुहिम का, इस एजिटेशन का हम सपोर्ट करेंगे और सरकार को ये कहना चाहते हैं ये तमाम ऑर्डर जो हैं, जो जनता विरोधी ऑर्डर हैं, चाहे स्मार्ट मीटर हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे सरोड टोल प्लाजा हो, चाहे बंद टोल प्लाजा हो, इनको जो है बंद करना चाहिए। और जब तक रोड नहीं तो टोल नहीं, हम टोल तब तक नहीं देंगे जब तक आप रोड मुकम्मल नहीं करेंगे। आज ब्लॉक डंसाल के अंदर तमाम लोगों ने, आपने देखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों ने एकजुट होकर ये एजिटेशन जो जम्मू में चल रही है उसकी सपोर्ट की है।